Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ्कहू कौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 7 ऑफ NBF Biology 11 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट दैट इज एलगी। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम फर्दर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, आप जानते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल एक किंगडम है। इसमें कुछ एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, यानी प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे सारे के सारे और एनिमल से वो रिजेंबल करते थे, लेकिन हमने उनको एनिमल से डिफ्रेंशिएट किया। फिर उसी तरह से यहाँ इसी किंगडम के अंदर कुछ प्लांट से ताल्लुक़ रखने वाले, प्लांट से रिजेंबल करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, जिनको पहले प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब उनको भी प्लांट किंगडम से जुदा करके इस प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल कर दिया हुआ है। तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको आज हमने डिस्कस करना है, ये दरअसल एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसे एलगी कहा जाता है। एलगी या इनको पहले जब प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया जाता था तो उस वक्त इनको थैलोफाइटा ग्रुप में शुमार किया जाता था। दे आर सपोज्ड टू बी थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स कहने का मकसद ये था कि इनकी बॉडी चूँकि क्लियरली रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती, इस वजह से इनको थैलोफाइट्स कहा जाता है। तो प्रीवियसली जब ये प्लांट किंगडम में शामिल थे उस वक्त ये थैलोफाइट्स कहलाते थे। इवन अब भी ये थैलोफाइट्स इनको कंसिडर किया जाता है, बट अब इनको ट्रू प्लांट्स नहीं बल्कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसी तरह से इस किंगडम में आगे अभी हम फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये एलगी से मुताल्लिक है, यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एलगी चूंकि पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था और बाद में फिर रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन में इवन ये प्लांट किंगडम का पार्ट थे, लेकिन रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जब कुछ मॉडिफिकेशंस की गई 1988 के अंदर, मार्गलिस और श्वार्ट्स 2 लोग थे जिन्होंने प्लांट किंगडम में मॉडिफिकेशंस की और उस मॉडिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम से एलगी को सेपरेट कर दिया गया और तब से एलगी अब प्रोटिस्टा किंगडम का पार्ट है। एलगी का प्लांट्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो प्लांट्स के साथ इनकी रिलेशनशिप को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पर इस बात को भी हाईलाइट करेंगे कि प्लांट से इनको क्यों सेपरेट किया गया, यानी प्लांट से इनको क्यों निकाला गया। ठीक है, तो ये इस बात का रीज़न हमने ज़रूर समझना है कि प्लांट्स इनको क्यों निकाला गया। तो रिलेशनशिप विद ट्रू प्लांट्स या द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, रिलेशनशिप ऑफ एलगी विद मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, विद मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। जी, तो ये याद रखिए कि एलगी जिनको पहले प्लांट्स के साथ शुमार किया जाता था लेकिन वहां से फिर इनको निकाल दिया गया, प्लांट्स के साथ रखने की वजह क्या थी? दरअसल प्लांट्स के साथ इनको रखने की वजह यह थी कि इनका सेल स्ट्रक्चर प्लांट्स के सेल स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। जहाँ तक इनके सेल स्ट्रक्चर की बात है तो प्लांट्स के साथ ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। सेल स्ट्रक्चर, तो इसमें आप देखिए कि इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो टिपिकल यूकैरियोटिक टाइप का सेल स्ट्रक्चर है, जिस तरह के प्लांट्स के पास सेल स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट्स की तरह ये भी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर रखते हैं। लेकिन एनिमल्स भी हालांकि यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर रखते हैं, तो इनमें ऐसी क्या खास बात है? तो इनमें ऐसी खास बात यह है कि प्लांट्स की तरह इनके पास भी सेल वॉल मौजूद होती है। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज एक सेल वॉल, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल इनके पास मौजूद है, जिस तरह से प्लांट सेल के पास सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल मौजूद होती है। ये एक ऐसा फीचर है जो इनको प्लांट से रिजेंबल करवा रहा है। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ये भी अगरचे प्लांट्स के साथ इनकी रिजेंबलेंस कंसिडर की जा सकती है, लेकिन चूंकि दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर रखते हैं, तो यहाँ पर ये जो आपने फीचर देखा है कि दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये एक ऐसा यूनिक फीचर है जो इनको प्लांट्स के साथ बहुत क्लोज कर रहा है। और फिर इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। दे हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी एक ऐसा ऑर्गेनल जिसके जरिए फूड मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो दिस क्लोरोप्लास्ट इज नॉट ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल बट ऑल्सो फाउंड इन एल्गी। तो क्लोरोप्लास्ट इनके पास मौजूद है, और बल्कि क्लोरोप्लास्ट की बहुत सारे एल्गी के अंदर एक यूनिक शेप होती है, और ये उनका एक करैक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्लोरोप्लास्ट की शेप की बुनियाद पर उन ऑर्गेनिजम्स को, उन डिफरेंट टाइप की एल्गी को आइडेंटिफाई भी किया जाता है। तो यहाँ पर वेरियसली शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो बहरहाल क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पाया जाना इनके अंदर, ये अगेन प्लांट्स के साथ इनको बहुत क्लोज करता है ये फीचर। और फोटोसिंथेसिस होने की वजह से आप ये कह लें कि ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है। ये इस बात का हम अलग से जिक्र करेंगे, अभी पहले हम सेल स्ट्रक्चर के हवाले से पॉइंट्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लें। तो आप देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक टाइप का सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल का सेलुलोज से बना हुआ होना और क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, और इसके साथ साथ लैक ऑफ सेंट्रियोल्स, इनके पास सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है। लैक ऑफ सेंट्रियोल्स, जिस तरह से प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एल्गी के पास भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है। तो आपने बेटा नोट किया कि ये सेल स्ट्रक्चर से रेलेवेंट जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे अब तक बताए गए हैं, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो इनको प्लांट्स के साथ बहुत क्लोज कर देते हैं। तो फिर ये प्लांट से डिफरेंट कैसे हुए? प्लांट से इनके डिफरेंसेस को हम हाईलाइट करते हैं और उससे हम ये जस्टिफाई करेंगे कि व्हाई दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांटी। इस बात का आंसर अभी हमारे सामने आने वाला है, लेकिन इससे पहले हम जरा एल्गी की मजीद करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि इनका किंगडम प्लांटी के साथ या प्लांट की किंगडम के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इस बात को हम फर्दर थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लें। तो अब आप देखिए कि इनके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये प्लांट्स के साथ बहुत क्लोज है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके पास किस किस्म का है? ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, और इनका ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म ये प्लांट्स के मैकेनिज्म के साथ बहुत क्लोज है। जिस तरह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, बिल्कुल इनके पास भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। दे शो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब एक ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसके बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन शामिल हो। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आपको ना सिर्फ प्लांट्स में मिलेगी, बल्कि इसके अलावा आपको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एल्गी में मिलेगी। और इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज बैक्टीरिया, तो उनमें भी साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, लेकिन अदर देन साइनोबैक्टीरिया बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनकी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं है, वो अपनी फोटोसिंथेसिस में सल्फर यील्ड करते हैं। तो यहां पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन का यील्ड होना, ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होना, अगेन ये एक ऐसा फीचर है जो इनको ट्रू प्लांट्स के साथ बहुत क्लोज कर देता है। तो आपने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से भी ये प्लांट्स के साथ सिमिलर है। अच्छा, जहां तक इनके बॉडी स्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो बॉडी स्ट्रक्चर भी बास प्लांट्स के साथ रिजेंबल करता है। बॉडी स्ट्रक्चर इनका थैलस लाइक होता है, यानी इनमें आपको क्लियरली रूट स्टेम और लीव्स का डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ये थैलॉइड बॉडी रखते हैं, दे हैव थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी का मतलब है थैलस लाइक बॉडी। थैलॉइड बॉडी मीन्स, थैलॉइड बॉडी का मतलब है थैलस लाइक बॉडी। और थैलस किसे कहते हैं? थैलस इज अ प्लांट बॉडी विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। ठीक है, थैलस लाइक बॉडी से यहां पर क्या मुराद है कि कैसी प्लांट बॉडी विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है भाई, तो रूट स्टेम एंड लीव्स के अंदर इनकी बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यहां पर बाज एलजी के अंदर आपको रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक पोर्शंस जरूर मिलेंगे, बट वो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक पोर्शंस ट्रू रूट्स या स्टेम या लीव्स नहीं होंगे, वो इनसे रिजेंबल करते होंगे। क्यों रिजेंबल करते होंगे? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वेस्क्यूलर सिस्टम। इनके पास वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं होता, they do not have vascular system, do not have vascular system। अब इनके पास वेस्क्यूलर सिस्टम का मौजूद ना होना, वेस्क्यूलर सिस्टम का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम, तो इनके पास एक्चुअली जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद नहीं है, तो जाइलम और फ्लोएम का एब्सेंट होना ये भी कुछ प्लांट्स के अंदर आपको मिलेगा। अब ये दोनों फीचर्स बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ट्रू प्लांट्स में नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किंगडम प्लांटी के मेंबर्स को आप अगर रिव्यू करें डिटेल के साथ तो आपको वहां पर एक ऐसा ग्रुप मिलेगा किंगडम प्लांटी में जो कि ट्रू प्लांट्स में शुमार होते हैं, नोन एज ब्रायोफाइट्स। तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइटा, दे आर एक्चुअली द ट्रू प्लांट्स। तो इन ब्रायोफाइट्स में आपको ये इसी तरह के फीचर्स नजर आते हैं। ब्रायोफाइट्स भी थैलॉइड बॉडी रखते हैं, यानी उनकी बॉडी को भी रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। एंड ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, दे डोंट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस तरह से ये ट्रू प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स, तो इनके फीचर्स भी आपको यहाँ पे एलजी में मिल रहे हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि एलजी अपने बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से भी ट्रू प्लांट्स के साथ किसी हद तक रिजेंबल कर रहे हैं, अगरचे ब्रायोफाइट्स के अलावा जो बाकी ट्रू प्लांट्स हैं उनकी बॉडी आपको रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होती हुई नजर आएगी और उनके पास जाइलम और फ्लोएम भी मौजूद होंगे। लेकिन चूंकि ट्रू प्लांट्स में ये एक ग्रुप के साथ एलजी रिजेंबल कर रही है, तो इस तरह से एलजी को प्लांट्स के साथ क्लोज कंसिडर किया जा सकता है। एलजी की इसी तरह की बॉडी की बुनियाद पर एलजी को पहले थैलोफाइटा में शुमार किया जाता था। तो आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से भी इनकी रिजेंबलेंस देखी, ट्रू प्लांट्स के साथ ये किस तरह से रिजेंबल करते हैं। इसके अलावा इनकी हैबिटेट को अगर हम कंपेयर करें तो हैबिटेट इनकी एक्वेटिक हैबिटेट होगी। एलजी, अगरचे कुछ एलजी मॉइस्ट प्लेसेस पर मौजूद होते हैं, लेकिन कोई एलजी ऐसी नहीं है जो कि बिल्कुल ड्राई सरफेस पर मौजूद हो। तो हैबिटेट के लिहाज से आपने ये याद रखना है कि दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक। अगरचे तमाम प्लांट्स एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक तो नहीं है, बट देर आर मैनी प्लांट्स विच आर फाउंड इन वाटर, तो वो एक्वेटिक इन नेचर हैं। लेकिन एलजी ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ये सभी पानी में पाए जाते हैं। तो हैबिटेट के लिहाज से ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक हैं। बहरहाल ये फीचर भी इनको प्लांट्स के साथ किसी हद तक क्लोज करता है। और फिर आखिर में इनकी हम पिगमेंट कंपोजिशन की बात करेंगे। पिगमेंट कंपोजिशन इज another very important feature of the algae। pigment composition यानी इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट पाए जाते हैं उन पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आपको प्लांट्स के साथ किसी हद तक रिजेम्बलेंस नजर आएगी, लेकिन साथ ही आपको यहाँ पर डिफरेंस का भी एहसास होगा। पिगमेंट कंपोजिशन एल्जी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्जी में क्लोरोफिल की एक वसी रेंज पाई जाती है। क्लोरोफिल वैसे तो आपको हाई प्लांट्स में सिर्फ दो ही किस्म के मिलते हैं, उनमें से एक क्लोरोफिल को क्लोरोफिल ए और दूसरे को बी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल की 5 डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं। क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी भी इनके पास मौजूद है, इनके पास क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स का यहाँ पर पाया जाना ये थोड़ा सा यूनिक फीचर है। ट्रू प्लांट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहले 2 क्लोरोफिल मिलेंगे, बाकी क्लोरोफिल आपको ट्रू प्लांट्स में नहीं मिलते। दीज 2 क्लोरोफिल आर फाउंड इन ट्रू प्लांट्स, ठीक है, आल्सो फाउंड इन ट्रू प्लांट्स। तो आप यूं कह सकते हैं कि ट्रू प्लांट्स के साथ इनकी रिजेम्बलेंस सिर्फ ये क्लोरोफिल ए और बी की हद तक है, अदरवाइज सी, डी और ई टाइप के क्लोरोफिल्स ये स्पेसिफिकली एल्गी में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल के अलावा इनके पास एक और पिगमेंट का ग्रुप मौजूद है, उस ग्रुप को कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ये भी आपको ट्रू प्लांट्स में मिल जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स की 2 अकसाम है, 2 अकसाम में से एक को कैरोटीन कहते हैं, कैरोटीन और दूसरे को जेंथोफिल कहा जाता है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कैरोटीन जो कि रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स हैं, दीज आर रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स, और जबकि इसके मुकाबले में जेंथोफिल आर येलो कलर पिगमेंट्स। और इससे पहले आपको याद होगा कि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है आमतौर पर। ये जो डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल है इनके ग्रीन शेड में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेरिएशन नजर आएगी इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स में, बट इन जनरल दे आर सपोज टू बी ग्रीन पिगमेंट्स। तो ये जो कैरोटीन वाइट्स हैं, कैरोटीन वाइट्स में कैरोटीन तो तमाम एल्गी के अंदर मौजूद होगा, लेकिन जेंथोफिल ये तमाम एल्गी के ग्रुप्स में मौजूद नहीं है, किसी के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। इसी तरह से आपने क्लोरोफिल के हवाले से भी ये बात याद रखनी है कि क्लोरोफिल की अगरचे 5 डिफरेंट टाइप्स एल्गी में पाई जाती हैं, बट क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी, ठीक है। क्लोरोफिल ए के मुतालिक आपने ये बात याद रखनी है कि इट इज फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी, ठीक है, इट इज फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। इसी तरह से ये जो कैरोटीन के बारे में आपको बताया, तो कैरोटीन भी एक्चुअली फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। क्लोरोफिल ए और कैरोटीन ये 2 ऐसे पिगमेंट्स हैं जो तमाम ग्रुप्स ऑफ एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। एल्गी के तमाम ग्रुप्स में आपको ये 2 पिगमेंट जरूर मिलेंगे, लेकिन बाकी पिगमेंट्स में कहीं पर आपको क्लोरोफिल ए और कैरोटीन के साथ बी, कहीं पर सी और कहीं पर इनके साथ जेंथोफिल भी मिलेगा, कहीं पर डी। तो इस तरह से बाकी पिगमेंट्स में आपको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन नजर आएगी, लेकिन क्लोरोफिल ए और कैरोटीन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। अच्छा, इसी तरह से बाज एल्गी में एक और स्पेशल ग्रुप है पिगमेंट्स का, वो भी पाया जाता है। That group of pigment is known as phycobilin. Phycobilin की यहां पर जो टाइप पाई जाती है that type is called phycoerythrin। यहां पर phycobilin की खास किस्म phycoerythrin पाई जाती है। आपने साइनोबैक्टीरिया के केस में phycobilin की एक और टाइप पढ़ी होगी, phycocyanin उसे कहा जाता है, वो साइनोबैक्टीरिया में मौजूद है। यहां पर phycoerythrin मौजूद है, फाइकोरिथ्रिन जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट है एंड इट इज वेरी मच अबंडेंट इन रेड एल्गी। अभी एल्गी के ग्रुप्स में आप देखेंगे कि इट इज ओनली फाउंड इन द रेड एल्गी। तो ये फाइकोरिथ्रिन भी कुछ एल्गी के अंदर आपने नोट किया। तो ये आपने देखा कि पिगमेंट्स की एक वसी रेंज यहां पर मौजूद है, और इन तमाम पिगमेंट में आपने 2 ऐसे पिगमेंट्स देखे हैं विच आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी, अदरवाइज बाकी पिगमेंट्स में आपको वेरिएशन नजर आ रही है। तो जहां तक प्लांट्स के साथ रिजेम्बलेंस का ताल्लुक है तो इसमें आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल की टाइप ए और बी का यहां पर प्रेजेंट होना और प्लांट्स में प्रेजेंट होना, ये रिजेम्बलेंस है। और इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स का यहां पर प्रेजेंट होना और फिर इसी तरह से ट्रू प्लांट्स में प्रेजेंट होना, ये भी एक रिजेम्बलिंग फीचर होगा। लेकिन यहां पर आपको क्लोरोफिल ए तो कंपलसरी नजर आ रहा है तमाम ग्रुप्स ऑफ अल्जी में, जबकि ट्रू प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ बी भी कंपलसरी मौजूद होगा तमाम प्लांट्स में। और इसी तरह से यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि कैरोटीनॉइड्स में सिर्फ कैरोटीन यहां पर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ अल्जी, लेकिन ट्रू प्लांट्स में कैरोटीनॉइड्स की दोनों फॉर्म्स यानी कैरोटीन और जैंथोफिल मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। तो ये इस तरह से थोड़ा सा प्लांट्स ये अपनी पिगमेंट कंपोजिशन के लिहाज से डिफरेंशिएट भी हो जाते हैं। तो बहरहाल ट्रू प्लांट्स के साथ इनकी रिजेम्बलेंस भी पिगमेंट कंपोजिशन के लिहाज से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं और इसके साथ साथ डिफरेंसेस को भी पॉइंट आउट किया जा सकता है। इसके अलावा ये याद रखिए कि ये जो पिगमेंट कंपोजिशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, और फर्दर अभी जो आप क्लासिफिकेशन देखेंगे एल्जी की वो दरअसल पिगमेंट कंपोजिशन की बुनियाद पर ही की गई है। जैसे आपको याद होगा कि अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर जब एनिमल लाइक प्रोटेस्ट यानी प्रोटोजोआ को डिस्कस किया था तो प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन भी आपको बताई थी कि खास फीचर के ऊपर बेस करती है, और वो फीचर था उनकी लोकोमोशन, उनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने प्रोटोजोआ को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। बिल्कुल इसी तरह से अभी आप देखिएगा कि एल्गी को डिफरेंट ग्रुप्स में हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड अपॉन देयर पिगमेंट कंपोजिशन। तो ये आपको यहां पर इसके जनरल करैक्टर्स पता चल गए और इससे आपको इनकी रिलेशनशिप किंगडम प्लांटी के साथ भी पता चल रही है कि किंगडम प्लांटी के साथ ये किस हद तक रिलेट करते हैं। लेकिन यहां पर आखिर में हम इस बात को थोड़ा सा वाजी करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये किंगडम प्लांटी के साथ इस कदर ज्यादा रिजेंबल करते थे तो इनको वहां से क्यों निकाला गया, ठीक है। तो ये रीजन ऑफ एक्सक्लूजन क्या था कि इनको वहां से क्यों निकाला गया, तो इनका आपने रीजन ऑफ एक्सक्लूजन ये याद रखना है। यानी रीजन ऑफ एक्सक्लूजन में हम डिफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर इनको हम ट्रू प्लांट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस विद ट्रू प्लांट्स यही दरअसल इनके वो फीचर्स होंगे जिनकी बुनियाद पर इनको वहां से निकाला गया, ठीक है। तो डिफरेंसेस ऑफ एल्गी विद ट्रू प्लांट्स, तो ट्रू प्लांट्स के साथ आप इनके अगर डिफरेंसेस को मुलाजा करें तो ट्रू प्लांट्स के साथ इनके डिफरेंसेस में सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है। अनलाइक ट्रू प्लांट्स दे हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, और बाकी जितने भी ट्रू प्लांट्स हैं उनके पास सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर होते हैं। दे हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके यूनिसेलुलर हैं। तो एक तो ये फीचर है जो इनको ट्रू प्लांट से डिफरेंशिएट कर रहा है। फिर सेकंड थिंग आप ये देखिए कि इनमें गैमीट्स सेक्स ऑर्गन से बाहर आ जाते हैं और आउटसाइड द बॉडी उन गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होती है। इस फर्टिलाइजेशन को आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे कि दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनके गैमीट्स सेक्स ऑर्गन से बाहर निकलकर आउटसाइड द बॉडी फ्यूज करते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फीचर भी यहां पर एक डिफरेंशिएटिंग फीचर हो सकता है। बाकी जितने भी ट्रू प्लांट्स हैं उनके पास फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होती है और उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगी। उनका गैमीट उनके बॉडी के अंदर कन्फाइंड रहता है, उनका फीमेल गैमीट यानी एग उनकी बॉडी के अंदर कन्फाइंड रहता है, वो बाहर नहीं निकलता। स्पर्म अलबत्ता मूव करते हुए अंदर दाखिल होता है और फिर उसको फर्टिलाइज करता है। तो बाकी जितने भी ट्रू प्लांट्स हैं दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट एल्गी शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली परफॉर्म होगी तो जाइगोट बॉडी से बाहर बनेगा, तो इस तरह से उस जाइगोट को कोई पेरेंटल केयर भी नसीब नहीं होगी, यानी वो जाइगोट अपनी पेरेंट बॉडी से बाहर ही डेवलप करेगा। दे हैव नो पेरेंटल केयर फॉर देयर जाइगोट, दे हैव नो पेरेंटल केयर, ठीक है। पेरेंटल केयर इनको नहीं मिल रही, दे हैव नो पेरेंटल केयर फॉर देयर जाइगोट। तो इनके जाइगोट के लिए कोई किसी किस्म की पेरेंटल केयर भी अवेलेबल नहीं है। एक तो आप देखिए कि सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर हैं और उन सेक्स ऑर्गन से गैमेट्स बनने के बाद रिलीज हो जाते हैं और आउटसाइड द बॉडी उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और फिर जाइगोट चूंकि पेरेंट बॉडी से बाहर बन रहा है तो उसको कोई पेरेंटल केयर भी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये इस तरह के फीचर्स हैं जो आपको ट्रू प्लांट्स में नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ सम यूनिक पिगमेंट्स जो प्लांट्स में नहीं है और यहां पर पाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सम यूनिक पिगमेंट्स। और वो यूनिक पिगमेंट से भी आपने देखा कि क्लोरोफिल की एक वसी रेंज यहां पर मौजूद थी, जैसे क्लोरोफिल ए बी के साथ सी डी और ई का पाया जाना यहां पर। ए और बी मैंने अभी आपको बताया कि ट्रू प्लांट्स में भी मौजूद हैं, लेकिन ए और बी के अलावा बाकी सी डी और ई का मौजूद होना यहाँ पर। और फिर फाइकोएरिथ्रिन जो कि ट्रू प्लांट्स में मौजूद नहीं है उसका यहाँ पर मौजूद होना। तो प्रेजेंस ऑफ सम यूनिक पिगमेंट्स ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है एलगी का जो ट्रू प्लांट्स इनको डिफरेंशिएट कर रहा है। तो अगर आपसे ये रीजन पूछा जाए कि हाउ एलगी डिफर फ्रॉम ट्रू प्लांट्स या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलगी एंड ट्रू प्लांट्स, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड द ट्रू प्लांट्स, या फिर आप इस सवाल को यूं भी कह सकते हैं कि व्हाई एलगी हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी से इनको क्यों निकाला गया। तो उसमें आपने इन्हीं डिफरेंशिएटिंग फीचर्स को पॉइंट आउट करके इस बात को जस्टिफाई करना है कि व्हाई दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम प्लांटी। अच्छा, एक आखिरी चीज यहां पर और भी नोट करते जाएं कि इसमें आप याद रखें कि इनका डायरेक्ट ओरिजिन है फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। दे हैव डायरेक्ट ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। हालांकि बाकी जितने भी ट्रू प्लांट्स हैं वो यूकैरियोटिक ओरिजिन रखते हैं, यानी वो एलगी से ओरिजिनेट हुए हैं। और खुद एलजी कहां से ओरिजिनेट हुए, तो खुद एलजी प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हुए। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो इनको बाकी ट्रू प्लांट से डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने एलजी के जनरल करैक्टर्स को नोट डाउन कर लिया, ये जनरल करैक्टरिस्टिक्स भी हो गई। इससे हमें यह भी अंदाजा हो गया कि हाउ एलजी रिजेंबल विद द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी या व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एलजी विद द मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी। इसके अलावा इनके जनरल करैक्टर्स में आपने इनका सेल स्ट्रक्चर देख लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी स्ट्रक्चर, पिगमेंट कंपोजिशन, हैबिटेट, इन सारी बातों का आपको अंदाजा हो चुका है। और ट्रू प्लांट्स के साथ इनकी रिजेम्बलेंस और डिफरेंसेस का भी आपको पता चल गया है और इनको क्यों सेपरेट किया गया ट्रू प्लांट से, इस बात को भी अब आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, एलगी की क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.